हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शान गुरु पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो लेके आऊँ। आज मैं इस प्लांट के बारे में बात करूँगा। ये परमानेंट प्लांट है, सालों साल चलेगा। विंटर में तो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है इसकी फ्लावरिंग के नज़ारे देखने लायक होते हैं। समर्स का ये एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, इससे बेस्ट तो मैं कहूँगा कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर भर भर के फ्लावरिंग होती है। और इसके अंदर आप इसे फुल सनलाइट में रख दें, कितनी भी सनलाइट में रख दें, ये आपका चलता रहता है, हमेशा परमानेंट है। और इसलिए सबसे अच्छी बात है कि जाड़ों में भी ख़त्म नहीं होता, कभी जाड़ों में भी अच्छे से चलता रहता है। बस डोरमेंसी का पीरियड होता है, फ्लावरिंग नहीं देता है, लेकिन जैसे गर्मी आती है इसकी बहार स्टार्ट होती है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, छोटी से छोटी इन दोनों प्लांट्स की कटिंग लग जाती है। ये देखिए, मैंने वेस्ट में लगा रखा है और वेस्ट में ही अच्छे चल रहा है। मैंने सब के सब ही वेस्ट में लगा रखे हैं और इन सब की मैंने कटिंग लगाई है और ये कटिंग अच्छे चली हैं। और ये देखिए, इनके नाम बता दूँ, नाम तो मैं भूल गया। देखिए ये वाला जो इसके अंदर लगा है मेरा, ये पर्सिलिन पोटुला का दोनों ही लगे हैं। ये वाला पिंक वाला जो है ये पोटुला का है और ये येलो वाला जो है ये पर्सिलिन है। पोटुला का की मेरे पास देसी वैरायटी है, मेरे पास एक ही कलर है, ज़्यादा कलर अभी मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन मुझे इसके दो कलर मिल गए हैं पर्सलिन के, एक येलो वाला और एक पिंकिश रेड कलर, शायद ये पिंकिश रेड कलर ही है। और इसकी सॉइल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसकी सॉइल मीडिया आप नॉर्मल सॉइल में भी इसे लगा सकते हैं, रेतीली मिट्टी में आप बिना खाद डाले भी लगा सकते हैं, या नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं। और मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, मैंने वेल्डन सोल बनाई हुई है इसकी, मैंने इसके अंदर यूज़ किया है 30% कंपोस्ट, 30% रिवर्स एंड 30% नॉर्मल गार्डन की सोइल, और इसके अंदर अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। देखिए ये वाला मैंने अभी लिया है, और ये इमली के पेड़ में लगा हुआ है। मैंने इस वेस्ट में इमली का पेड़ लगा रखा है, उसी के नीचे मैंने इसे लगा दिया था छोटी सी कटिंग को, और आज इतनी बड़ी हो चुकी है। तो सनलाइट तो इसे पूरे दिन की चाहिए, जितनी अच्छी आप सनलाइट दे सकते हैं आप इसे दीजिए और ये उतना ही अच्छा चलेगा। अगर आप इसे शेडेड एरिया में रख देंगे ना, इसके अंदर बर्ड्स आना ख़त्म हो जाएंगे, ये कम आएंगे बर्ड्स। अगर आप इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो ये अच्छा चलेगा। वाटरिंग का ध्यान रखें, वाटरिंग इसके अंदर ओवर ना हो, ऐसे तो सनलाइट में रहेगा तो ओवर नहीं हो पाएगी, फिर भी ये सक्कुलेंट से बिलोंग करता है, इसीलिए इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करें और ज़्यादा डीप लो वाटरिंग भी नहीं करें, कम वाटरिंग भी नहीं करें। अगर आप कम वाटरिंग करेंगे तो जब भी इसके पीले लीव्स पीली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोटुलगा में ऐसा कोई खास बात नहीं है, वैसे फिर भी इसके अंदर ज़्यादा अगर कम वाटरिंग करेंगे तो लीव्स इसकी येलो होने लगती हैं। और देखिए मेरा ऐसे चल रहे हैं, और मैंने ये सब कटिंग से लगाया है, मैंने कोई नर्सरी से परचेज नहीं किया है, इधर उधर से इकट्ठा करके मैंने तीन कटिंग्स लगाई हैं। देखिए बराबर बर्ड्स आई हुई हैं। पोटुलगा में अभी मेरी थोड़ी सी फ्लावरिंग लाइट हो चुकी है, इसलिए थोड़ी कम दिख रहे होंगे आपको फ्लावर, और नहीं तो इसके अंदर अभी बर्ड्स बहुत सारी हैं। और देखिए जो फ्लावर बन हो चुके हैं उन्हें आप निकालते रहिए। और मेरे पर्सलिन में तो भर भर के फ्लावर हैं, आज थोड़े कम भी खिले हैं, नहीं तो इतने खिलते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा प्लांट फ्लावर से भरा हुआ दिखता है। और खाद की तो इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं होती है, मैं कहूँ तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है। आप इसे बिना खाद के बिना किसी चीज़ के चला सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर अगर खाद डाल लें तो ये और खुश होकर चलता है और प्यारा लगता है, इसलिए आप इसके अंदर खाद डाल दें तो ही बेटर रहेगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बिना खाद के भी ये चलता रहेगा। वाटरिंग करते रहिए और बस। या